तो इस वक्त पंजाब की बात करें तो यहां पर सियासी पारा उफान पर है। वजह है कांग्रेस विधायकों का विधानसभा में डटे रहना। आज सत्र का आखिरी दिन है और सदन के अंदर अब भी कांग्रेस का हंगामा जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक सदन में हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पंजाब के मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंका है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष शरणजीत सिंह अटवाल पर कागज फेंकने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद सदन और विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेसी विधायक लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस के विधायकों से बातचीत करने विधानसभा पहुंचे, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से पंजाब की सियासत में ये सियासी ड्रामा जारी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि हम विधानसभा में तब तक रुके रहेंगे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति देने की हमारी मांग मान नहीं ली जाती। तो पंजाब विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन आज भी जिस तरीके से डटे हुए हैं कांग्रेस के विधायक, हंगामा आज भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। पंजाब के मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर जूता भी फेंका गया है। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर कागज फेंके हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर अड़े हैं ये कांग्रेस विधायक। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या मर्यादाओं को भी भूल चुके हैं अभी है?